Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. राजस्थान तक के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं सुनील जोशी। आज हम जिला कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर के अंदर खड़े हुए हैं। वर्तमान में 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाले हैं। सवाई माधोपुर की जनता हमारे साथ है। हम इन्हीं से जानते हैं कि वर्तमान के गहलोत सरकार के 4 साल कैसे रहे और आने वाले चुनाव में क्या वही परंपरा रहेगी, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, या फिर इस परिपाटी को जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वापस रिपीट कांग्रेस होगी। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि जनता का क्या मूड है, किस तरह से ये वर्तमान की राजनीति को देखते हैं। अभी जिस तरह से अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों में घमासान चल रहा है, तो आने वाले चुनाव में किस नज़रे से आप देखते हो, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सीएम होना चाहिए, किस तरह से देखते हो? देखिए, हम आम नागरिक जो हैं वो सबसे बड़े व्यथित तो अपने आप को ये मान के चलते हैं कि राजस्थान की एक बहुत ही गलत परंपरा रहती आई है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने आपसी एक सांठगांठ बना करके एक बार वो और एक बार वो, एक बार सांपनाथ एक बार नागनाथ यूँ कहते हैं या एक और, तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से परे उठ करके जो जनकल्याणकारी योजनाएँ चलाता है उसको रिपीट अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अक्सर देखने में आया है कि अभी बेरोजगार युवाओं की बात करें, कितनी बार वो तैयारी करेंगे, कितनी बार वो पेपर देंगे, फिर बार बार रिजेक्ट होंगे, कोई एक्शन नहीं। तो ऐसे में युवाओं की अगर बात करें तो वो पीड़ित है। किसानों की बात करें तो लाइट वही रात को उनको दी जा रही है, लाइट का कहीं कोई अता पता नहीं है, तो किसान भी दुखी है। अगर हम लोग बात करें आम आदमी की, तो आज आपने देखा होगा आम आदमी के लिए कहीं भी किसी भी तरह की कोई जवाबदेहिता या पारदर्शिता सरकारी विभागों में नहीं है। तो ऐसे में हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल नयापन होना चाहिए, ये जो परंपरा है ख़त्म होनी चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए और नया बिल्कुल जो अपने एक नए कंसेप्ट लेकर के आए जो जनता के लिए कुछ भला कर सके उसे आना चाहिए और स्पष्ट घोषणा पत्र आना चाहिए, जो कि अब तक यहाँ होता दिखाई नहीं देता। और लोगों की मानसिकता भी ये बनने लग गई है कि साहब इस बार तो फिर बीजेपी आएगी और चूंकि कांग्रेस आ चुकी, लेकिन हम लोग बिल्कुल इस बार ये चाहते हैं कि न कांग्रेस न बीजेपी, कोई भी आए काम करने वाला आए जो वास्तव में काम करे और विकास करे। तो ये कह रहे हैं कि विकास करे, काम करे, नया चेहरा आना चाहिए। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि सचिन पायलट अगर सीएम आए तो कांग्रेस वापस रिपीट हो सकती है, तो क्या कहना चाहोगे? वर्तमान जो सरकार है इसका विगत जो 4 साल का कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा और विकास की गंगा जिस तरह से बही है बहुत ही विगत वर्षों से की अपेक्षा ज़्यादा उचित कोटि का रहा। बीच में कुछ अपनी राजनीति मंशा या हस्तक्षेप के कारण सरकार गिरने की स्थिति में थी, पर निकट भविष्य में अगर सारे एकजुट होके चलेंगे तो फिर से कांग्रेस निश्चित तौर पर राजस्थान में आएगी और सवाई माधोपुर जिले से तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के विधायक दोबारा चुने जाएंगे। क्या सीएम चेहरा पलटना चाहिए? देखो, ये तो समय के घर पर निर्भर है, पर वसुंधरा सीएम बन सकती है ऐसा देखने में आ रहा है। और जैसी खींचतान चल रही है उनको राजनीति तजुर्बा भी, पूर्व में जो सीएम रही थी वो उनको बहुत अच्छे राजनीति सिस्टम के बारे में गहरे वो पकड़े, इस वजह से वो सीएम बन सकती हैं। लेकिन विशेष तौर पर सवाई माधोपुर की बात करूँ तो कांग्रेस से यहाँ दोबारा जीतना तय है। तो ये कह रहे कि तो मैं ये बोल रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस वापस आ सकती है। आप अगर सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीट है, 4 रुपये पे अभी कांग्रेस का बीज है, अब आने वाले चुनाव में क्या इन 4 विधायकों के कार्यशैली क्या से संतुष्ट है आप या फिर वापस चेंज होंगे? देखिए, मेरा जिला, मेरा प्रदेश, मेरा देश पूंजीवादी मानसिकता से ग्रसित है। आपका जो सब्जेक्ट है, जो प्रारंभ में बोला कि राजस्थान के अंदर एक दफ़े कांग्रेस और एक दफ़े बीजेपी, देखने में अक्सर ये आया है कि सवाई माधोपुर नगर परिषद के अंदर पहले बीजेपी का चेयरमैन रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, वर्तमान चेयरमैन कांग्रेस का वो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्ट है और पूंजीवादी मानसिकता से ग्रस्त है, इसलिए ये तो इनकी पूंजीवादी समझ है। इसके अलावा जहाँ तक आवाम का सवाल है, आवाम बेहद त्रस्त है। मैं गत दिनों पेपर लीक का मामला हो, सवाई माधोपुर को रेड जोन में घोषित कर दिया है। सवाई माधोपुर के जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो अन्य जिलों में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं
और पेपर आउट हो रहे हैं, अन्य जिलों में जाने के बावजूद भी पेपर आउट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिले का जो नौजवान है इस सरकार से भारी पीड़ित है, बहुत परेशान है, और युवा पीढ़ी ही देश का नेतृत्व तय करती है। इसलिए युवा पीढ़ी ये चाहती है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नकार दिया जाए। और ये बात गत दिनों जब नगर परिषद का इलेक्शन हुआ उसके अंदर बहुत ही आत्मनिर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत के आए, अन्य दलों के लोग चुनाव जीत के आए, तो इस सवाई माधोपुर की जनता ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता इन दोनों को नकारने की का मानस बना चुकी है। तो यह कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को ही नकारने का मन बना चुकी है। हम और लोग भी हमारे साथ ही इनसे पूछते हैं कि जैसे वर्तमान में अगर युवाओं की बात करें चाहे और किसी मुद्दों की बात करें, जिस तरह से आम लोग जो त्रस्त हैं जन सुविधाओं से, क्या क्या देखते हो आपके वर्तमान में, क्या कांग्रेस आनी चाहिए या बीजेपी आनी चाहिए या कोई अन्य संगठन आना चाहिए? युवाओं की करें तो सबसे बड़ी समस्याएं तो दोनों पार्टी के अंदर जो रही है मुख्यतः वो बेरोजगारी की रही है। युवा हमेशा दोनों पार्टियों के अंदर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो एक ठगा सा महसूस करता है। बात अगर हम वर्तमान कांग्रेस सरकार की करें तो विगत 4 साल तक इनके आपसी खींचतान में ही निकल गए, और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो यहाँ भी 3-4 लोगों के खींचतान की वजह से अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ओवरऑल मुख्यमंत्री बनेगा कौन। ऐसे में हमारा निश्चित रूप से जो भी सरकार बने उससे यही कहना है कि युवाओं के रोजगार के ऊपर विशेष फोकस करने की आवश्यकता राजस्थान में है और ख़ासतर सवाई माधोपुर के अंदर। तो युवाओं के ऊपर फोकस करने की बात है, अगर दोनों ही पार्टियां अगर चुनाव लड़ती है और सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है या सीएम चेहरा घोषित करती है, तो आप किस नज़रे से हो जो एक आम मतदाता के हिसाब से अपना मत का प्रयोग करोगे? जैसे कि राजस्थान में हम देखते हुए आए हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पहले पूर्व में भी इस पर विचार कर चुके हैं, महंगाई और बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। सरकार जब लोक कल्याणकारी नीति अपनाती है तो इन मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है। वर्तमान समय के अंदर कांग्रेस सरकार ने जो करप्शन और महंगाई वगैरह इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया और जनता पे इसका बहुत ज़्यादा भार पड़ा हुआ है। आने वाले समय के अंदर जो भी सरकार आएगी वो जो जन कल्याणकारी नीति वाली सरकार आएगी वो राजस्थान के अंदर सक्सेस होगी। आप कैसे देखते हैं? हाँ, वर्तमान में जो सरकार 4 साल से जो कार्य कर रही है जो कार्य अभी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माधोपुर डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं हुआ। दिन तो 4 साल में जो अमरूदों की जो व्यवसाय है यहाँ पे आज गर्त पे है, यहाँ किसान परेशान है उससे, और ये अभी सरकार को देखना चाहिए डेवलपमेंट। जो सरकार डेवलपमेंट करेगी वो सरकार आनी चाहिए, जो विधायक डेवलपमेंट करेगा विधायक माधोपुर में होना चाहिए, कोई चीज का भी हो डेवलपमेंट वाला विधायक चाहिए यहाँ पे। और क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्राइम का रेशो बहुत ज़्यादा है पिछले 4 सालों में, वो कम होना चाहिए। आम आदमी परेशान है क्राइम से राजस्थान में, ये कम होना चाहिए। तो ये इनका कहना कि क्राइम का रेशो बढ़ा है, आम आदमी को जो युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए, और अगर अपन वर्तमान में बात करते हैं करप्शन की बात हो रही है, युवाओं को रोजगार की बात हो रही है, आम जन सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनकी बात हो रही है, क्या आप ये मानते हो कि 4 साल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार रही क्या वो फेल रही है, क्या वाकई बीजेपी को आना चाहिए? 4 साल में जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही थी, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, पर जहाँ करप्शन की बात है तो सरकारें करप्शन नहीं करती, मानवीय स्वभाव करप्शन की ओर अग्रसर है। जो आसानी से हो सकने वाले काम में रोड़ा लगाता है राज की सेवक, और सरकारें बदनाम होती है। तो ऐसे लोगों को जैसलमेर धौलपुर जहाँ भी अच्छी जगह वहाँ पहुँचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सेवाएँ तो वो दे चुके, तो ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र करना चाहिए। और रही बात बेरोजगारी की, तो इसके लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हर जो विद्यार्थी अग्रसर होना चाहिए। जैसे अपन चाइना की जनसंख्या देखते हैं तो जनसंख्या ही एक व्यापक पैमाने पर उनका एक डेवलपमेंट का विकास का एक हथियार है, क्योंकि वो लोग खुद ही काम खुद करते हैं, वो सरकार के भरोसे नहीं रहते। तो ऐसे जो बेरोजगार युवक है उनको भी खुद का एक रोजगार, छोटा सा कि लघु उद्योग की ओर बढ़े, राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजनाएं उनसे जुड़े, उनसे लाभ लें, और सरकार जो दोबारा फिर चुनी जाएगी वो कांग्रेस की ही चुनी जाएगी सवाई माधोपुर के लिए। तो और बाकी राजस्थान की बात करें तो सीएम का चेहरा वसुंधरा रहेगी।
तो ये जिस हिसाब से योगी जी, अगर हम वर्तमान युग की बात करें तो विधायकों की अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान में तो जिस इस बार में विधायकों को जितना फ्री हैंड मिला है शायद वो राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं मिला होगा। आज अगर डेमो इस अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी भी कई बार आमने सामने नेता और अधिकारी आपस में लड़ते हुए नजर आए, तो क्या देखते हो कि वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है वो किस तरह से अपने कामकाज में सक्षम रही है या फेल रही है, आने वाले टाइम में कि वापस रिपीट होगी या फिर बीजेपी वापस आएगी? देखिए, ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी रही है जनप्रतिनिधियों और नेताओं पे, ये तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं और वही इस बार यहाँ भी हुआ कि ब्यूरोक्रेसी के सामने चाहे नेता कितनी अब इनको अब हम लोग कहें कि सारे विधायकों को खुला छोड़ रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरशाही हेवी रही और भ्रष्टाचार पनपता रहा, ये सब लोग जानते हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बजरी खनन का मामला हो, चाहे कोई से मामला हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चार साल में निकल चुके, चुनाव होंगे, ना तो बीजेपी अपना कोई पुराना वही चेहरा लेकर के वापस आने की उस पर वसुंधरा का नाम लिया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं मोदी जी के नाम से आप कब तक वोट मांगोगे और एक ही चेहरे को लेकर कब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहोगे? यही हाल कांग्रेस का है, एक ही चेहरा आपके पास है, केवल एक ही। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नीतियाँ होनी चाहिए, कल्याणकारी योजनाएँ होनी चाहिए। ये लोगों ने यही कर रखा है, एक बार वसुंधरा जी, एक बार अशोक गहलोत या एक बार मोदी जी के नाम से नहीं मांग करके हम लोग ये मांग करते हैं एक आम नागरिक होने के नाते कि आप अपनी नीतियों के आधार पर, अपने घोषणा पत्रों के आधार पर वोट मांगे पब्लिक से। आप लोग बेवकूफ़ बनाना बंद करें, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र को लोकतंत्र रहने दें। तो ये जिस हिसाब से लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही रहने दे, चाहे युवाओं की बात हो चाहे रोजगार की बात हो, उस पर सवाई माधोपुर की जनता ने खुलकर यहाँ पर बोला है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।